क्या सच में आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं? जैसे कि हाल ही में अभी व्यापम में भर्ती ही भर्ती निकल कर आ रही है। जैसे कि आपने देखा शिक्षक भर्ती जिसमें 12,489 पदों पर भर्ती है, उसी प्रकार ITI यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी का 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। उसी प्रकार व्यापम में एक और वैकेंसी निकल कर आई है जिसका नाम है आपका श्रम अधिकारी यानी कि लेबर इंस्पेक्टर। आपने सही सुना है, व्यापम में एक और भर्ती निकल कर आई है लेबर इंस्पेक्टर। टोटल 34 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, पिछले जो साल हुआ था आपका 2018 में, अब हो रहा है आपका 2023 में, जिसका भी डेट फिक्स नहीं हुआ है लेकिन नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी कि लेबर इंस्पेक्टर यानी कि आपका सहायक श्रम पदाधिकारी, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक के टोटल 34 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर व्यापम में ये तैयारी कराया जा रहा है लेबर इंस्पेक्टर का। टोटल एक महीने की रणनीति के साथ केवल छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान, उसमें प्लस एक और ऐड कर लीजिएगा कंप्यूटर का। ठीक है, ये तीनों जो सब्जेक्ट है बिल्कुल एग्जाम में आते हैं, हर एक एग्जाम में, चाहे एग्जाम PSC हो चाहे व्यापम हो। शिक्षक भर्ती में वही प्रश्न पूछे जाएंगे, 366 पदों में यानी कि प्रशिक्षण अधिकारी में भी वही प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, विगत वर्षों से पूछे गए प्रश्न हैं, वही आपको कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव तौर पर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ना कि डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, टोटल में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा टेस्ट के रूप में। बिल्कुल आप टिक लगाते जाइएगा, टेस्ट देते जाइएगा डेली, रात 7:30 से 9:30 के बीच में रिकॉर्डेड क्लास अपलोड की जा रही है। ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। और सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लेबर इंस्पेक्टर है उसका सिलेबस के बारे में, तो टोटल 150 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें 150 अंकों का पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब बात करते हैं यहाँ पर लेबर इंस्पेक्टर के बारे में, एक महीने की रणनीति के साथ, चाहे एग्जाम एक महीने बाद हो या 15 दिन बाद, हमें तैयारी करना है। पढ़ने वाले तैयारी करें और नहीं पढ़ने वाले वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, इधर उधर ना कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो लेबर इंस्पेक्टर का सिलेबस के बारे में, तो सामान्य अध्ययन और भारत का जो सामान्य अध्ययन है यानी कि छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन प्लस भारत का सामान्य अध्ययन, दोनों को मिलाकर 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे मेन बात यही है, गणित में आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा ज्यादा, ना रीजनिंग में आपको मेहनत करना पड़ेगा ना गणित में, सिर्फ आपको मेहनत करना है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्लस भारत का सामान्य ज्ञान, ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें थोड़ा डीपली पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि ये जो सिलेबस आपका लेबर इंस्पेक्टर का, जिसमें सामान्य अध्ययन में मैं आपको टोटल नंबरिंग के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, टोटल 80 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन प्लस भारत का सामान्य ज्ञान में, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान यानी कि इंडियन GK में 48 यानी कि 48 नंबर का पूछा जाएगा, जबकि कंबाइन है आपका छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान जिसमें 32 प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब इसके बाद बात है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अब आने वाले एग्जाम में छात्रावास अधीक्षक जिसमें 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य होता है। ठीक है, वरना आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाता। तो आप लोग अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए, अब मैं आपको बता दिया हूँ सामान्य ज्ञान के बारे में, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान 32 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन में आपको 48 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल कितना हो गया 80 प्रश्न, 80 नंबर का आएगा। उसी प्रकार आपका गणित और रीजनिंग मिलाकर 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, ज्यादा आपको मेहनत करना नहीं पड़ेगा। आप देखिए गणित में क्या पढ़ना चाहोगे, सबसे ज्यादा लाभ हानि पढ़ लीजिएगा, समय चाल और दूरी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा, और सबसे बड़ा है बॉड मास। ठीक है, और उसके बाद संख्या पद्धति, ये जो टॉपिक है अच्छे टॉपिक है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और रीजनिंग में जो बार कोड वगैरह रहता है, आयत वगैरह वाला, ये सब चित्र वगैरह है ना, ग्राफिक वाला, वो पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं अंग्रेजी में 10 नंबर के प्रश्न पूछा जाएगा, उसी प्रकार आपका हिंदी भी 10 नंबर पूछा जाएगा। ये कॉमन बात है, छत्तीसगढ़ में जो एग्जाम होता है उसमें हिंदी का 10 नंबर से 15 नंबर रहता है,
उसी प्रकार आपका रहेगा अंग्रेजी में 10 नंबर, ग्रामर वगैरह ठीक है 10वीं बेस से रहेगा, 10वीं बेस में हिंदी रहेगा और वो भी रहेगा इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा से आपका 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएगा, ठीक है। व्याकरण आप लोग पढ़ लीजिएगा हिंदी में, उसी प्रकार आपका छत्तीसगढ़ी भाषा से प्रश्न पूछा जाएगा 10 नंबर, टोटल आपको मिलाकर हो गया 150 प्रश्न, जिसमें 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो आपका लेवल इंस्पेक्टर का सिलेबस है, ये काफी पीएससी टाइप का सिलेबस है, थोड़ा लंबा है, डीपली है। आपको अगर पीएससी तैयारी करना है तो पीएससी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है कि देखिए उसका सिलेबस भी सेम वैसी है अगर जो लोग तैयारी कर चुके हैं। और एक बार मेरे साथ जो तैयारी करना चाहते हैं 1 महीने में सिर्फ रणनीति के साथ टोटल में आप जो भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया मतलब समझा आपका 70% क्लियर, ठीक है। आप देखिए जो सहायक पदाधिकारी के कितने पद है, 4 पद आने वाले हैं, उसी प्रकार सब निरीक्षक के 14 पद और उप निरीक्षक का 16 पद, यानी कि टोटल आपका मिलाकर हो गया 34 पद, ठीक है। ये तो रहा आपका लेबर इंस्पेक्टर के बारे में पूरी जानकारी, तैयारी कैसे करना है इसका जो सिलेबस मैं तो आपको बता चुका हूँ, डेली आपको रात 7:30 से 9:30 के बीच में, और अगर व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो दोपहर 12 बजे क्लास लगती है, मतलब रिकॉर्डेड क्लास जो है अपलोड कर दी जाती है। अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। अब उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी को मैं आप नोटिफिकेशन भेजने वाला हूँ, ठीक है। उसी के पास सिर्फ नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो पर और किसी के पास नहीं जाएगा। जो लोग अगर लाइक करते हैं सब्सक्राइब करते हैं उसी पर फिर जाने वाला है नोटिफिकेशन, ठीक है। यही एक संदेश था। और देखिए तैयारी करने वाले तो क्या है, बच्चे पढ़ते ही हैं, मैं पढ़ते हुए बच्चे मुझे अच्छे लगते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास में कराता हूँ भाई, पैसा नहीं लेता, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क के साथ मैं रिकॉर्डेड अपलोड कर रहा हूँ। ये जो एक्सपीरियंस है मेरा, मैं जो पढ़ाई किया हूँ 4-5 सालों से, जो पीएससी और व्यापम का जो अनुभव है उसी अनुभव को आप लोग को मैं देता हूँ, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को पहुँच सके और व्यापम तैयारी का अनुभव ले सके। इसका जो एक्सपीरियंस है मुझे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको तैयारी करना है तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब ले शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।